जयमानी जय राजपूताना। भैया हमारा गांव है महिपा जागीर राजपूताना कट। और जो हमारे राजा हैं राजपूत सम्राट मीरभोज भैया राजपूत है, राजपूत है। कुछ लोगों ने गलती से अपने बना रखे हैं। राजपूतों का इतिहास चोरी करने में लगी है। मीरभोज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप सभी को अपना बता रही हैं। एनसीआर में बैठे हुए कुछ लोग राजपूतों का इतिहास चोरी करने में लगे हैं, सभी को अपना बता रहे हैं। तो मैं आप सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने एनसीआर इलाकों में जहाँ वो रहते हैं, उन्होंने अपने चौक गाड़ियाँ मतलब कि वो भी लिखवा ली हैं, चौक भी बनवा ली हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह। तो मैं आप सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि उनका कोई इतिहास नहीं है, ना तो उनका कोई रजवाड़ा था। आज दो गांव की ज़मींदारी को भी लोग रजवाड़ा कहते हैं। हाँ एक दो रजवाड़ा होगा, लेकिन उस समय मैक्सिमम 500 में से 450 रजवाड़े समथिंग राजपूतों के थे, बाकी कुछ पठानों के थे और एक दो सिखों का था और थोड़े से मराठों के थे, बल्कि 80-90% राजपूतों के थे। आज राजपूतों का राज तो वापस नहीं आ सकता, ये तो हम सबको पता है। आज राजा महाराजों का टाइम नहीं रहा, ना तो हमारा राज वापस आ सकता है। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों की इतिहास को भी जिंदा ना रखवाएं तो वो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। यही है कि अगर हम अपने पूर्वजों का इतिहास भी जिंदा ना रख सके तो हम कहाँ के राजपूत, कैसे राजपूत, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो इतिहास चुरा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम आज राजा महाराजा तो है नहीं। बस यही कर सकते हैं कि जैसे मेरी बात अब ध्यान से सुनना और इतना शेयर करना ना वीडियो हर बंदे तक पहुंच जाए। सभी बोल रहे हैं कि वो हमारा इतिहास चुरा के मीरभोज परिहार राजपूत है। सबको पता है वो परिहार राजपूत है। जो गुजरात जहाँ उन्होंने राज किया था वहाँ एक भी उस जाति का नहीं मिलता जो हमारा इतिहास चुरा रहे हैं, एक भी नहीं मिलता। उधर जाओगे तो 96% राजपूत रजवाड़े हैं। गुजरात में वो जाति मिलती नहीं है, बिहार में वहाँ भी नहीं मिलती है वो। उनके वंशज आप जी भी बिहार में हैं। बिहार में 1 करोड़ राजपूत हैं, वो एक लाख भी नहीं मिलते वहाँ बिहार में। गुजरात में भी नहीं मिलते, MP में भी नहीं मिलते, 1-2% हो गए, 2-3% वहाँ भी राजपूतों का ही ढंग है। तो ये NCR में उनके पास थोड़े से पैसे आ गए हैं तो वो सबको अपना बनाने में तुले हुए हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ 1 करोड़ है और आप 8 करोड़ हो, 8 करोड़, 8 से 10 करोड़ हो। आप हिमाचल में भी हो, उत्तराखंड में भी हो, जम्मू में भी हो, राजस्थान में भी हो, हरियाणा में भी हो, MP में भी हो, गुजरात में भी हो, हर जगह हो आप, हरियाणा और भी सब जगह हो आप। बस यही कहना चाहते हैं कि अगर वो NCR में इतने चौक वगैरह बनवा रहे हैं हर गांव में, तो क्या हम राजपूतों में इतनी एकता भी नहीं कि हम 100-100, 200-200 रुपया इकट्ठा करके अपने मोहल्ले के आगे बोर्ड लगवाएं, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, स्पेशली मीरभोज, और नाम के आगे राजपूत जरूर लिखें, राजपूत सम्राट मीरभोज परिहार, वो परिहार राजपूत हैं, उनका पशुपालक जाति से कोई संबंध नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उसका नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ अगर उनमें इतनी एकता है कि वो अपने इलाकों में चौक बनवा रहे हैं, इतिहास हमारा है और चोरी वो किए जा रहे हैं, क्या हम 10 करोड़ राजपूतों में एकता नहीं है कि हम भी अपने महान पूर्वजों के चौक बनवाएं? चौक जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट से बनवाएं, अपने पैसे डाल के मतलब कि 10-20 लोग
हजार हजार रुपया या 200-200, 500-500 रुपया डाल के तो बोर्ड बनवाएं, अपने मोहल्ले की एंट्री से पहले बनवाएं, मतलब कि नेशनल हाईवे के पास बनवाएं, हाँ मतलब बोर्ड ही बनवा दें एक। कितना खर्चा आ जाएगा, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 में बोर्ड बन जाता है। अच्छा सब उसको बड़ा करके लिखना है, राजपूत जरूर लिखना, राजपूत सम्राट मिहिर बोध जी, राजपूत महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, महाराजा शिवाजी महाराज जी, तो इन सभी का नाम लिखना। बोर्ड कोई महंगा नहीं है, इतना भी नहीं कर सकते आप, 1000 रुपया, 500 रुपया या 200 रुपया भी नहीं खर्च सकते राजपूताना के लिए, तो काहे के राजपूता इतना खर्च कर देते हो ऐसे ही कुछ कुछ खाने पीने में, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते आप। तो अभी से शुरू हो जाओ, मिहिर बोझ के चौक सभी राजपूत बनवाओ, वो सिर्फ दिल्ली में बनवा रहे हैं, आप पूरे इंडिया में बनवाओ, MP, गुजरात, बिहार, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ भी, हरियाणा, जहाँ जहाँ भी राजपूत हैं आप बनवाओ, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका आपके पूर्वज हैं वो, क्यों किसी से डरना है, एक राजपूत 100 के बराबर है। हाँ मैं नहीं डरता किसी से भी, तो आपने क्यों डरना है, अपनी ताकत को पहचानो, एक राजपूत 100 के बराबर है, डरना नहीं साला किसी से भी बहन, आप सभी शेर हो शेर, ठीक है। वीडियो को इतना शेयर करो, इतना वायरल करो कि आप सभी राजपूत अपने महान पूर्वजों की याद में एक बोर्ड जरूर बनवाएं, इसमें कुछ गलत नहीं है, बोर्ड बनवाना अपने महान पूर्वजों की याद करने में, अगर वो उधर बैठ के एक इलाके में बैठ के आपकी इतिहास चोरी कर सकते हैं कि आप बोर्ड भी नहीं बनवा सकते, आप तो 10 करोड़ हो पूरे इंडिया में ये वीडियो फैलाओ, ठीक है। जय भवानी, जय राजपूताना।